Hey guys, welcome or welcome back to my channel. I am Sudiksha. So guys, आज के वीडियो में बेसिकली हम अपना रूम साफ करने वाले हैं. बहुत गंदी हालत में है मेरा रूम. सो या आज हम रूम साफ करेंगे और आप लोगों को मैं सेटिस्फाइंग जो रिजल्ट है वो देने वाली हूँ. और मैंने दही ऑलरेडी लगा लिया है. इंट्रो के बाद वो क्लिप दिखेगा आप लोगों को, बट मैंने दही ऑलरेडी लगा लिया है. और मैंने टी शर्ट भी ऐसे ही कुछ भी पहन लिया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि सब करते टाइम मेरा जो टी शर्ट है वो गंदा हो. नया नया टी शर्ट लगा के वीडियो के लिए सिर्फ मैं नहीं लगाना चाहती हूँ. सो या गाइज, अभी हम ज़्यादा बकबक नहीं करते हैं, लेट्स गेट इनटू द वीडियो. मैंने सोचा कि रूम साफ करने से पहले मैं अपना मतलब हेयर और मुंह भी थोड़ा साफ कर लेती हूँ, इसको लगा के रखती हूँ. इसीलिए एक्चुअली मैंने ये कपड़ा ना इसीलिए लगाया क्योंकि बहुत कंफर्टेबल है और मतलब छेदते है देखो तो इससे गंदा भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना. सो यहाँ पे मैं लगाने वाली हूँ दही विथ लेमन. मैंने दही में थोड़ा सा लेमन ऐड कर दिया क्योंकि डैंड्रफ वगैरह का प्रॉब्लम है. तो सबसे पहले मेरे रूम की हालत देख लो, यहाँ पे भी मैस है, ये तो मैस है ही. उसके बाद देख लो मेरा बेड का हालत देख लो, एंड यहाँ पे देख लो पूरा कपड़े पड़े हुए हैं, धोने वाले हैं नए नए कपड़े जो मैंने शॉपिंग किया है वो सारा इधर है. टेबल देख लो इतना गंदा हो रखा है, इसके ऊपर भी देख लो इतना गंदा हो रखा है, एंड यहाँ पे किताबें ऐसे पड़ी हुई है. उसके बाद यहाँ पे मेरा कोलैब जो है उसका रिसेंट कोलैब का पड़ा हुआ है, प्रोडक्ट भी है शायद. अब हम इस कोने से स्टार्ट करेंगे साफ करना, ठीक है. मैं सारे निकाल देती हूँ कपड़े. मुझे ये लगाने को नहीं आता है. Am I a girl? यो हेल्प कीजिए. तो मुझसे अच्छे से चादर जो है वो सेट नहीं हो रहा था, तो मैंने मम्मी का हेल्प लिया. मम्मी का एक हाथ नहीं चलता है क्योंकि उनका भी अभी ऑपरेशन हुआ है, फिर भी उन्होंने मुझे हेल्प किया क्योंकि मैं पहली बार इतनी डेडिकेशन के साथ अपना रूम जो है साफ कर रही हूँ. तो या मम्मी बहुत शौक थी कि मैं साफ कर रही हूँ बोल के. और यहाँ पर मैं झाड़ू भी मार रही हूँ क्योंकि फ्लोर ऑब्वियसली बहुत गंदा हो गया था, उस दिन मैंने फ्लोर को साफ नहीं किया था. के सामने है एयर प्यूरीफायर प्लांट, मम्मी ने रखा है. मेरे विंडो से व्यू ऐसा है. चलो अभी ये पार्ट कर लेते हैं. सी द डर्ट. आप सभी ने देखा कि कितना गंदा हो गया था, तो इसलिए मैं इसको अच्छी तरीके से पोछा लगा रही हूँ. पोछा नहीं मतलब साफ कर रही हूँ, ठीक है. सो या
मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। और अभी मैं ड्रॉर का जो भी मेरा स्किन केयर है, रेगुलर स्किन केयर होता है, उसको भी साफ कर रही हूँ। ये होममेड, मतलब घर पे ही बना है ये वाला ड्रॉर, मेरे पापा ने बनाया है। तो हम लोगों ने, मैंने स्पेशली कलर नहीं किया है नीचे की तरफ। सो या यहाँ पे मैं सब कुछ अरेंज करके रख रही हूँ अपने अपने जगह पे। मुझे ना स्किन केयर और मेकअप कलेक्ट करने का बहुत शौक़ है, तो मैं शौक शौक से इसको अरेंज करके रख रही हूँ यहाँ। अभी दे देती हूँ रूम का अपडेट। क्लीन्ड, क्लीन, ये सारा क्लीन। मेरा बेड क्लीन, ये क्लीन। गाइस, मैं नहा धो के निकल चुकी हूँ। इतना रिलैक्स्ड फील हो रहा है ना कि मैं क्या बताऊँ। सो अभी मेरे को कुछ नहीं करना है, जस्ट अब मैं चिल करूँगी, फ़ोन यूट्यूब वगैरह देखती रहूँगी और ये वीडियो भी एडिट करूँगी। आई होप आप सब भी अपना अपना रूम, घर जो है साफ करेंगे आज, क्योंकि मुझे तो बहुत मज़ा आया साफ़ करने में, टू बी ऑनेस्ट। सो या गाइज, अब मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और आपको कौन सा वीडियो देखना है वो कमेंट कीजिएगा। अब मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।